उत्तर प्रदेश की तरह अब झारखंड पुलिस ने भी रांची हिंसा के 33 आरोपियों की तस्वीरों वाले पोस्टर जारी किए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से पुलिस जनता से आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। रांची में हिंसा में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर पुलिस कर्मियों सहित 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दरअसल भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा और निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी को लेकर रांची में शुक्रवार 10 जून को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। हिंसा के बाद प्रशासन को शहर के कुछ हिस्सों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी थी और इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया था। रांची में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हजारों लोगों के खिलाफ 25 FIR दर्ज की गई है। दरअसल रांची हिंसा में गैंग सा बौसेपुर कनेक्शन भी दिखाई दिया और प्रदर्शन के लिए बाकायदा भीड़ भी जुटाई गई थी। दरअसल राज्यपाल ने रांची हिंसा पर DGP और वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल भी पूछे थे। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को राजभवन में तलब किया था। उन्होंने पूछा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों, रबड़ की गोलियों या आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और प्रशासन एहतियाती कार्रवाई करने में नाकाम क्यों रहा। पुलिस महानिदेशक ने राज्यपाल को सूचित किया कि खुफिया ब्यूरो यानी IB की एक रिपोर्ट के अनुसार पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर राजधानी रांची में 10 जून के विरोध प्रदर्शन के दौरान केवल 150 लोगों के जुटने की उम्मीद थी। हालांकि हिंसक विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने यह भी पूछा कि पुलिस अधिकारी और कर्मी हेलमेट और सुरक्षात्मक गियर क्यों नहीं पहने हुए थे। उन्होंने पूछा कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं, कितनी FIR दर्ज की गई हैं, सभी प्रदर्शनकारियों और जो पकड़े गए हैं उनका विवरण प्राप्त करें, उनके नाम पता सार्वजनिक करें, शहर के मुख्य स्थानों पर उनकी तस्वीरों वाली होर्डिंग लगाएं ताकि जनता उन्हें पहचान सके, पुलिस की मदद कर सके। राज्यपाल ने पूछा कि क्या पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों की पहचान की है और क्या उन्हें दंडित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। बैस ने कहा कैसे सभी लोगों की पहचान करें और उन्हें दंडित करने की जरूरत है। हालांकि रांची पुलिस पोस्टर लगाने के अलावा हिंसा फैलाने वालों को पकड़ने के लिए मुखबिरों का भी सहारा ले रही है। इसके अलावा जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस को इस बात का भी शक है कि रांची में हिंसा फैलाने के लिए बाहर से भी उपद्रवी आए थे। और इनकी धरपकड़ के लिए पुलिस अपने तरह से प्रयास कर रही है। लेकिन देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके से राज्यपाल ने सख्ती दिखाई है, ऐसे में झारखंड के DGP की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कोई इस मामले में राज्यपाल को संतोषजनक जानकारी दे। और यही कारण है कि रांची पुलिस ने बाकायदा उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। देखने लायक बात यह होगी कि पोस्टर तो जारी हो गए हैं लेकिन उपद्रवियों को पकड़ने में पुलिस कितना सफल होती है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।